हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुफी तफशा फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं आज बढ़िया सा एक स्नैक्स बारिश में ज़्यादातर भजिया पकौड़ी ये सब खाने का बहुत मन करता है तो यही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज तो गाइस जिन्होंने नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कल बैक आइकन को हिट जिससे उनको मेरी सारी आने वाली न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो गाय चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अरबी के पत्ते लिए हैं इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है दोनों लेयर को ऊपर से नीचे दोनों तरफ से मैंने कुछ वॉश किया है ये पंद्रह से बीस कुछ लीव्स हैं इसके अरबी की इसको इस तरीके से जर से कट कर लिया है बिल्कुल फ़ाइन काटना है उसके बाद इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने एक कप बेसन लिया है इसको अच्छे से छान लिया है उसके बाद एक मैंने यहाँ प्याज़ ली है जिसको मैंने स्लाइस कट कर ली है आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और वन फोर्थ हल्दी पाउडर वन थर्ड ज़ीरा और इसके अंदर हम अजवाइन ऐड करेंगे तो ज़्यादा नहीं हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी अजवाइन ली है उसको इस तरीके से क्रश किया है हाथ से और इसके अंदर डाल देंगे अब इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला यूज़ किया और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला आपको इसके अंदर एकदम से पानी नहीं ऐड करना है इस तरीके से डालिएगा क्योंकि हमें इसका थोड़ा बैटर बनाने में प्रॉब्लम यह आती है कि जो इसके अंदर ली ये जो पत्ते हैं अरबी के इसको अच्छे से बाइंड करना है यानी इसके जो बेसन है और मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और ये बेसन इसके अंदर हम कम यूज़ करते हैं ताकि इसमें क्रिस्पनेस ज़्यादा रहे यहाँ मैंने देखिए हल्का हल्का करके पानी ऐड करता करके इसका इस तरीके से अभी एक डोसा बना लिया है और इसको धीरे धीरे पानी इसके अंदर मिक्स करेंगे तो इसका एक बैटर ऐसा बनाएंगे जैसा अभी आप देख लेंगे हम इसको रेडी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डाला है अब ये देखिए इस तरीके का हो गया थोड़ा सख्त है और हाँ, इसके अंदर हम और पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्मूथ बना लेंगे ये इसी तरीके का रखना है आपको बिल्कुल इसको रनी नहीं बनाना है इस तरीके का आपको देखिए बैटर रखना है ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है इसको हमें लो फ्लेम पे क्रिस्प होने तक पकाना है तो ये भजियों को मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है आप इस तरीके से इसके अंदर सारे भजियों को डाल दीजिए और जब तक ये गोल्डन क्रिस्प नहीं हो जाते जब तक इसको लो फ्लेम पे अच्छे से फ़्राई करेंगे ये धीरे धीरे कुक होएंगे तो अंदर तक बिल्कुल कुक हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्प बन तैयार होएंगे और बारिश में गाय इसको खाने में बड़ा इतना मज़ा आता है ज़्यादातर भजिए बारिश में खाना लोग पसंद करते हैं और चाय के साथ कुछ टोमेटो केचप के साथ चटनी के साथ जिसके साथ भी चाय खा सकते हैं ये बढ़िया से देखिए दोनों तरफ से क्रिस्प हो गए हैं और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको किसी के साथ भी चाहें तो आप कैचअप के साथ या गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ सर्व कर सकते हैं तो गाइज़ आपको मेरी आज की ये बढ़िया सी भजिए स्नैक्स की रेसिपी आई होगी पसंद तो गाइज इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ चलिए अपना ख्याल रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग